आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों के गलत इलाज से आए दिन लोगों की मौतों में निरंतर इजाफा हो रहा है, जहां नरोजाबाद थाना अंतर्गत दो आदिवासी महिलाओं के कुछ माँ के बच्चों की मौत हो गई एवं यह पूरा मामला नरोजाबाद थाना अंतर्गत 5 नंबर कॉलोनी का है, जिसमें निवासरत फर्जी क्लिनिक संचालक समीर कुमार अधिकारी, जो कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से दो आदिवासी महिलाओं के बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से की है। वहीं इस मामले में पीड़ित आदिवासी महिला शशि बेगा और अनीता कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं नरोजाबाद 5 नंबर बंगाली डॉक्टर के यहां ले गई थी एवं उस दौरान डॉक्टर की गलत दवाई के कारण ही मेरे बच्चे की मौत हुई है। दोनों आदिवासी महिलाओं ने उमरिया पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है एवं जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व में भी चंदिया थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई और आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन लापरवाह झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं एवं इस मामले की विधिवत तरीके से जांच कराकर उक्त झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध विधि संगत दंडात्मक कार्रवाई कर मुझे आदिवासी प्रार्थी को न्याय दिलाए जाने की महान कृपा की जाए। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह मोहबिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बैगा महिलाएं आई थी, जिन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि नरोजाबाद 5 नंबर कॉलोनी निवासी महिलाओं के द्वारा झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की गई है एवं जांच कार्रवाई के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पेशे उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। जानकी पटेल को एक झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई। ऐसे झोला छाप शशि बैगा नरोजाबाद, वो मेरे बच्ची का इलाज उधर बंगाली के यहाँ करवाई थी तो दवाई सही से नहीं हुआ, मेरा बच्चा वो ख़त्म हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई किया जाए। मेरा बच्चा तो रह नहीं गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना। पूरे उमरिया जिला में इस समय भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है, संबंधित अधिकारी जो है किसी प्रकार का पूरे जिले में ध्यान नहीं देते। आज उमरिया के अंतर्गत नरोजाबाद थाने में दो बच्चों की मौत हुई और चंदिया में एक बच्चे की मौत हुई। लगातार हमारे उमरिया जिले में इस तरीके की घटना घटित हो रही है, लेकिन उमरिया जिला का प्रशासन जो है इन मुद्दों पे कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। अब डॉक्टर पूरे उमरिया जिला में व्याप्त है, नरोजाबाद में, करकेली में, मैंने कई बार जो है बैठकों में इस बात का जो है जिक्र किया, लेकिन अधिकारी इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है पूरी सरकार की तरफ से ही चल रहा है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि प्रशासन इस पर किसी तरह से कोई भी लापरवाही न बरते, किसी के जीवन के साथ कोई समझौता न करे। यदि जिसके पास डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के कोई डॉक्टर अगर बैठा हुआ है, उसके पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं, अगर वो चाहे वो होम्योपैथिक का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, लेकिन डिग्री होनी चाहिए। डिग्रीधारी अगर डॉक्टर हैं, अगर वो उसी पर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई कार्रवाई न हो। बाकी जो झोला छाप डॉक्टर हो, जो लोगों का जान ले रहे हैं, पैसे के लालच में लोगों को मारे डाल रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। निश्चित रूप से मामला अपराध की श्रेणी में आता है, जिन्हें की किसी भी प्रकार से इलाज करने की अनुमति नहीं है, शासन ने नहीं दिया, मेडिकल काउंसिल ने भी नहीं दिया, और ये इस प्रकार से ये जो एलोपैथिक इलाज करते हैं निश्चित रूप से अपराध है। आज जो घटना घटी है निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में है। हम थाना चंदिया की जो थाना प्रभारी हैं मैडम, उनसे आग्रह करते हैं इसकी जाँच करें, और यदि जाँच में पाया जाता है कि अपराध है तो उसको अपराध कायम करें और उसको जो है रुपया खत्म हुई जानवी पटेल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा राशि शासन की तरफ से दिलाई जाए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे। जो जितने भी जो है डॉक्टर हैं इस प्रकार के, उनकी जांच पड़ताल की जाए और उनको निर्देशित किया जाए कि जिसके लिए उन्होंने अपकृत किया गया उनकी खुशी ले जाए।